नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह बिल्कुल भी लगभग कह लीजिए 38,926 टोटल पोस्ट हैं इस पूरे एग्ज़ाम के अंदर। यह पूरा पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है साथी, आपको ग्रामीण डाक सेवा के बारे में बताने वाले हैं, जो कि 38,926 है। बिना किसी एग्ज़ाम के आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। और यह कब तक समाप्त होगा, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें कितने पोस्ट हैं, मतलब कितने इसमें वर्कर के स्टेटस क्या इसका मिलेगा, प्लस क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस देने होंगे, इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसमें पूरा का पूरा आपको बताएंगे कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिए, यह वीडियो पूरा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। यह लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा पोस्ट होगा, साथ ही उनको ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं करने पड़ेंगे। इसमें दो पोस्ट हैं, इसमें सबके बारे में बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही बढ़िया जॉब है समझ लीजिए साथी, बिना एग्जाम के आपको किस लेवल पे यह होगा हम सारी बात बताने वाले हैं। एज क्या है सब कुछ देखिए, सबसे पहली बात है इंडियन पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। यह ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 2 मई से, आप लोग देख सकते हैं इसको। इसका GDS का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है प्रशिक्षु। अब देखिए इसमें टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 38,926 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं भाई, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 38,926 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। अप्लाई डेट की बात करें साथी, अप्लाई डेट की बात करें तो 2 मई से 5 जून तक अप्लाई कर देंगे, और इसमें आप देरी नहीं करेंगे, बाद में साइट बहुत स्लो हो जाता है तो आप लोग नहीं भर पाएंगे यह सोचकर, इस वजह से पहले ही अप्लाई कर दीजिए। लगभग 10-20 मई के आसपास में आप अप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, आप लोग हड़बड़ाएंगे भी नहीं, आराम से भर देंगे, ठीक है। फी की बात करेंगे, फीस कितने लगेंगे, जनरल और OBC मेल की बात करेंगे तो 100 रुपये मात्र लगेंगे। SC ST PH चाहे फीमेल कैंडिडेट हों, चाहे फीमेल कैंडिडेट हों, चाहे OBC जनरल मेल कैंडिडेट हों, फीमेल मतलब OBC और जनरल मेल कैंडिडेट का ही केवल 100 रुपये लगेगा, बाकी चाहे जनरल OBC फीमेल कैंडिडेट हों, चाहे अदर कास्ट के अदर धर्म के अगर फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 0 रुपये लगेगा, और SC ST PH वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबका 0 रुपये कास्ट आने वाला है। इसके बाद साथ ही एज की बात करें तो कहां से कहां तक भाई, यह सबसे बड़ी बात होती है एज। देखिए 5 जून 2022 तक आपके 18 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब 18 साल से 40 साल तक ही स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपका एज हो गया हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि जो भी प्रशिक्षु यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, उनका 18 से लेकर 18 एज नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC ST अगर इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन छूट मिलता है, और OBC की बात करेंगे तो 3 साल का इसमें छूट मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th विथ मैथ और इंग्लिश, आपका 10th में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है, और 10th पास पर है। हमें नहीं लगता है कोई भी बच्चा 10th में मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा, सबके पास मैथ और इंग्लिश की डिग्री होगी, और आप लोग देखते भी होंगे, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैथ लोगों की कुछ और लोगे, 10 तक तो सब कुछ पढ़ना पड़ता था, यहाँ तक कि जीव विज्ञान भी पढ़ना पड़ता था, 12 से आकर छटनी हो जाती है, जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं जीव विज्ञान, नहीं तो फिर मैथ। यहाँ पे देखेंगे नो दैट, यह जरूरी है जानना, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप उसी जगह अप्लाई करिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है साथी, यह आपको ग्रामीण गांव की सेवा है, आप जिस गांव में से बिलोंग करते हैं आप चाहेंगे ट्रांसफर करा के उस गांव में आ जाएंगे, यह बहुत बड़ा आपको इसका फायदा मिलेगा। जिस गाँव में आना चाहते हैं, अपने घर के अपने ग्रामीण में आना चाहते हैं, आ सकते हैं आप आराम से। अब पुलिस वाले या फिर दरोगा वाली जॉब नहीं है कि कम से कम 2 जिले छोड़कर ही रहना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं, ठीक है, अपने गांव में आ सकते हैं, इस वजह से आप जरूर इसे फिल करिएगा। और इसमें साइकिलिंग चलाना आना चाहिए, मान लीजिए किसी को साइकिल ना भी चलाना आता है तो आप सीख जाओगे भाई, 2 दिन में 3 दिन में सीख जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, ना भी आता है, लड़कियां हैं तो स्कूटी तो चला लेती हैं, स्कूटी आना चाहिए, यह बात होनी चाहिए। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस साथी, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्लीट प्रोसेस जो होगा साथी कंप्लीट 15 नवंबर 2022 तक आपको जॉब दे देगा, 15 नवंबर 2022 तक आपके हाथ में का लेटर होगा, भैया आओ जॉब करो भाई, नो एग्जाम, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती है, आपको डायरेक्ट एडमिशन होगा इसमें साथ ही। इसे बात करते हैं कितने पद हैं, कितनी सैलरी मिलती है, फिर उसके बाद पद में क्या कार्य करने उसकी बात करेंगे। देखिए पोस्ट की बात करेंगे तो 2 पोस्ट हैं, BPM और ABPM, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, 2 पोस्ट हैं इसमें। जो ब्रांच पोस्ट मैनेजर हैं उनके लिए 12,000, और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर उनसे डाक सेवक
दोनों अलग अलग है, इसमें 10,000 रुपये इनको दिया जाता है। आप कहेंगे बहुत कम सैलरी है, भाई कम नहीं है, ये याद रखना साथी, यह परमानेंट है। परमानेंट सैलरी अगर आपको 10,000, 15,000, 10,000, 12,000 मिल रहा है स्टार्टिंग में, तो बस आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इसमें तैयारी करने का भी मौका मिलेगा। और इसमें वर्किंग आवर भी बताएंगे आपको, वर्किंग आवर कितना है, मतलब कितने घंटे काम करने पड़ेंगे साथी। इसमें काम करने का जो समय है साथी, मात्र 4 घंटे ही है, 4 घंटे बस आपको कार्य करने हैं, दिन भर में 4 घंटे देने हैं। भाई 4 घंटे तो आप गंवा देते होगे खाना खाने में, खेलने कूदने में, रेस्ट लेने में, तो 4 घंटे अगर यहाँ दे देंगे परमानेंट जॉब हो जाएगा एक आपके पास, और 12,000 से 10,000 आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यह ऐसा नहीं कि आपका यही रहेगा, इसमें इंक्रीमेंट होता है, हर साल इंक्रीमेंट होता है लगभग 2,000 का, 1,500 से 2,000 का, तो आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आप काम कैसे कर रहे हो उस हिसाब से। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर दिए 3-4 साल में, तो आपके पास सैलरी 25,000 तक जा सकती है, 25 से 30,000। भाई बस बेस्ट है अपने गांव के इलाके में रहकर खेती बाड़ी भी करिए, मस्त तरीके से करिए 4 घंटे। दूसरी तरफ बात करते हैं साथी, इसमें जो यहाँ पर BPM है और ABPM है, इनका कार्य क्या है। जो BPM है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर की बात करें साथी, इनको लेन देन करने होते हैं, मतलब कि मान लीजिए पैसे का लेन देन, खाता कोई खुलवाने आया, ये सब का लेन देन वगैरह ब्रांच पोस्ट मैनेजर होते हैं, जो उसमें बैठे होते हैं, जाते होते स्टाम्प वगैरह जो देते हैं, भाई 5 रुपये दे दो, टिकट भिजवाना है डाक से, यह सब सारे काम करने होते हैं। डाक उत्पादों और सेवा, जो डाक उत्पाद होते हैं और जो सेवा होते हैं उनके लिए कार्य करते हैं साथी, समझ रहे हो ना। डाक उत्पाद सेवाओं का एक तरह से वितरण करते हैं, जैसे आप कोई मान लो रक्षाबंधन राखी का समय है, रक्षाबंधन का समय है, आपको राखी भेजना है मामा के यहाँ, मम्मी वाला या फिर भाई वाला भेजना है यहाँ से दूर, तो आपको जब जाते हो डाक में तो एक स्टाम्प मिलता है, उस स्टाम्प का 5 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये इस तरह प्राइस होता है, तो उसका यह उत्पाद बेचते हैं डाक का और वो पैसे लेते हैं, वितरण करने का कार्य करते हैं। और रिकॉर्ड जो इनके पास होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, हैंड फोन डिवाइसेस होते हैं, उनका संरक्षण करने का कार्य होता है इनका, मोबाइल, जैसे मान लीजिए चुनाव चल रहा है तो चुनाव में मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रख ली जाती है अपने पास, तो यह वह काम करते हैं, है ना, यह काम हो गया इनका। और जो डाक सेवक होते हैं, स्टाम्प की बिक्री अभी करते हैं, डाक डिलीवरी कराते हैं साथ ही, यह डाक डिलीवरी जो गांव में कराया जाता है वह करते हैं। रेलवे मैन सर्विस ऑफिस का वर्क भी इनके हाथ में होता है। और प्लस जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होते हैं साथी, यह काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। अगर बात करें टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री करते हैं, सरकारी सेवा घर घर पहुँचाते हैं, मान लीजिए कोई सरकार की सेवा है जो कि मुफ्त योजना है, यह गांव वाले को बताना है, किसी गांव को नहीं पता है, जैसे कोरोना काल में ही देखिए बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो कि गांव वाले लोग नहीं जानते थे, सैनिटाइजर वितरण कराना, मास्क वितरण कराना जो फ्री में था, तो यह सारे काम इनके जिम्मे होता है कि हाँ यह आपको आगाह करेंगे ये काम आपको करना है। तो यह सारी चीज़ें हैं, आप आराम से 4 घंटे में बहुत अच्छे से कर सकते हैं साथ ही। सैलरी के बारे में बता दिया आपके, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, डेली जो वर्क एन आवर है कितने घंटे का वो बता दिया, ये बहुत अच्छी जॉब है साथी, इसको आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने भाइयों में, और सबसे गांव में भाई बहन से बता सकते हैं, भैया अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का समय फिर से एक बार देख लीजिए, 2 मई से 5 जून तक है, 20 मई तक आप इसे अप्लाई करके एक तरह से अपना एक पद फिक्स कर सकते हैं। धन्यवाद।